हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा टॉपिक है हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत को आज हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सीटेट जुलाई के लिए इस टॉपिक को हम तैयार कर रहे हैं। मैं उन सारे टॉपिक को कवर करूंगी जिससे क्वेश्चंस बनते हैं सीडीपी में, है ना। चाहे वो पेपर वन की सीडीपी हो या पेपर टू की सीडीपी हो, दोनों स्टूडेंट जो कि पेपर वन देने जा रहे हैं, जो कि पेपर टू देने जा रहे हैं, दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा ये सारे वीडियो। तो आप बने रहिएगा चैनल पर और अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इस थ्योरी को हम पढ़ेंगे और इस थ्योरी को आज पढ़ने के बाद इस थ्योरी से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, उससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सीडीपी से हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, क्या कौन कौन से इन्होंने इंटेलिजेंस को बताया, कैसे कैसे चेंजेस आए इनकी थ्योरी में, उन सब चीज़ों को हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना, और देखते हैं उन्होंने किस तरह से हमें बताया। सबसे पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि किसने बताया, किसने दी, तो आपको नाम याद रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना, हार्वर्ड गार्डनर है। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी। कभी कभी मल्टीपल इंटेलिजेंस के जगह मल्टी डायमेंशनल थ्योरी के नाम से भी आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। मल्टी डायमेंशनल थ्योरी आए या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आए, दोनों एक ही है, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी थी, और ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, है ना। और इनकी थ्योरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि अभी तक इनकी थ्योरी पर क्या होते हैं, क्लासरूम में इनकी थ्योरी को बेस बनाकर क्लासरूम में क्या की जाती है, टीचिंग की जाती है, मेथड यूज किए जाते हैं, है ना। तो कैसे, क्यों इनकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वो हम भी उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में हम पढ़ेंगे कि क्यों क्लासरूम में इनकी थ्योरी को हम पढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस फर्स्ट प्रपोज बाई साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डनर इन हिज बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड, यानी सबसे पहले इस थ्योरी को इन्होंने कब डेवलप किया, 1983 में, है ना। इससे पहले इन्होंने सबसे पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि जो हमारा माइंड होता है या ह्यूमन माइंड होता है, उसमें अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस पाए जाते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन एक तरह से इंटेलिजेंट है ना। हर में अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस पाया जाता है। लोग अलग अलग तरह से बुद्धिमान होते हैं, अलग अलग तरह से उनकी बुद्धि जो होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है ना। तो कोई ऐसा पहले क्या था, पहले ये तो अवधारणा बनी हुई थी कि जो पढ़ने में अच्छा है, जिसकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छी आ रही है, 140 आ रही है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो एकेडमिक में बहुत अच्छा कर रहा है, उसी को इंटेलिजेंस माना जाता था। और उसको क्या बोला जाता था, जी फैक्टर। यानी हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से पहले क्या माना जाता था कि एक जी फैक्टर होता है जिसके कारण, यानी जनरल फैक्टर, जिसके कारण लोग क्या है, इंटेलिजेंस, लोगों में इंटेलिजेंस पाया जाता है। और हर कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है, जो एकेडमिक में अच्छा है, जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वही व्यक्ति क्या है, इंटेलिजेंस है। लेकिन इन सब चीज़ों को इन्होंने नकारा और ये बोला कि ऐसा नहीं है कि जो एकेडमिक में अच्छे हैं वही इंटेलिजेंस है, उसके अलावा अलग अलग फील्ड में लोग जो अच्छा कर रहे हैं वो भी एक तरह का इंटेलिजेंस माना जाता है ना। तो सबसे स्टार्टिंग में 1983 में इन्होंने सेवन टाइप ऑफ थ्योरी बताई, सेवन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताया, है ना। सबसे पहले इनकी बुक आई एक, जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन कि फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक किसने लिखी, तो हार्वर्ड गार्डनर ने लिखी। कब लिखी, 1983 में। और इसी में इन्होंने सबसे पहले सेवन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया। उसके बाद फिर इन्होंने 98 में इनकी आई, फिर से उन्होंने अपनी थ्योरी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाए, है ना, और एट टाइप का इंटेलिजेंस बताया, है ना। और सबसे लास्ट में 2000 में फिर से इनकी थ्योरी आई और इसी थ्योरी को थोड़ा सा अपडेट किया इन्होंने और बताया कि 9 टाइप की थ्योरी है। यानी सबसे पहले आई 7 टाइप की, फिर 8 टाइप की, फिर 9 टाइप की, ठीक है।
8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड ईच ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। इन्होंने क्या बताया कि हमारे माइंड में क्या होते एट तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, है ना, और सब एक दूसरे से अलग है, यानी किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये इन्होंने बताया, यानी इन्होंने बताया कि हमारे माइंड में 8 हिस्से हैं, है ना, हमारा जो ब्रेन है उसमें 8 हिस्से हैं और 8ों हिस्सा अलग अलग इंटेलिजेंस के लिए माना जाता है। ठीक है, तो ये इनकी थ्री। और क्या है था इंटेलिजेंस वेरी वन पर्सन टू अदर पर्सन। इन्होंने क्या बताया कि इंटेलिजेंस वेरी करता है, यानी चेंज होते रहता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो कोई एकेडमिक में अच्छा है, तो कोई मैथ्स में अच्छा है तो कोई म्यूजिक में अच्छा है, तो कोई प्लांट की इसको बहुत अच्छी नॉलेज है तो वो नेचर में अच्छा है, तो कोई डांस में अच्छा है। तो लोग अलग अलग तरह से अच्छे होते हैं, अलग अलग तरह से इंटेलिजेंस होते हैं, इसीलिए मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी इन्होंने बताई, है ना। लेकिन इनकी जो थ्योरी थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी थ्योरी जो थी वो अजम्पशन बेस्ड थी, यानी मान्यता पर थी, है ना। मान लिया गया था कि इस तरह के इंटेलिजेंस से, इनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था, कोई भी लैब टेस्ट नहीं था, कोई भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। इन्होंने बताया था कि ऐसी इस तरह की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो इनकी थ्योरी किस पर बेस्ड थी? अजम्पशन पे बेस्ड थी, यानी मान्यता पे बेस्ड थी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके कौन कौन से इंटेलिजेंस इन्होंने बताए वो हम देखेंगे। ठीक है, अब 8 टाइप के इंटेलिजेंस क्या क्या इन्होंने दिए। पहला होता है वर्बल लिंग्विस्टिक, ठीक है, वर्बल लिंग्विस्टिक, विजुअल स्पेशियल, लॉजिकल मैथमेटिकल, बॉडली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो इंटेलिजेंस हमें पढ़नी है वो है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी शाब्दिक भाषी, यानी जिन लोगों को और भाषा, जिन लोगों का भाषा पे बहुत अच्छा पकड़ होता है ना, भाषा पे बहुत अच्छा, यानी उनको नए नए वर्ड आते हैं, है ना, वर्ड को किस सर्कमस्टांस में, किस सिचुएशन में, किस तरह से यूज करना है इनको बहुत अच्छे से आता है। किसको? जो लोग वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट होते हैं या जो वर्बल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो, है ना। वो ऐसे लोग क्या बनते हैं? ऐसे लोग या तो कवि बनेंगे, राइटर बनेंगे, पत्रकार बनते हैं, है ना, जर्नलिस्ट बनते हैं, है ना, ऐसे लोग, और बहुत अच्छे वक्ता होते हैं ये, है ना। जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा है कि बींग कैपेबल ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेज, इनमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी नए लैंग्वेज को बहुत अच्छे से ये क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं कि इस लैंग्वेज को कैसे यूज करना है ना, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज लैंग्वेज टू अचीव गोल। और इनको ये पता रहता है कि किस तरह से हम अपने लैंग्वेज को यूज करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जिनको इनके इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे वक्ता होते हैं ना कि किसी को भी अपनी बातों में आसानी से ले लेते हैं, किसी को भी क्या कर सकते हैं, इम्प्रेस्ड कर देते हैं अपनी बातों से। इनको वर्ड का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड ये यूज करते हैं, बहुत अच्छा फ्लुएंसी में ये बोलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड का यूज करके क्या लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, एडिटर हो सकते हैं, है ना, कवि हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मस्तिष्क का एक हिस्सा भाषा में अच्छा हो सकता है, आपकी कमांड भाषा पर अच्छी होगी, इसके अंतर ये बुद्धि होती है, है ना, वे लोग कवि, पत्रकार आदि बन सकते हैं। अब ये क्या है, अब इसका एग्जांपल हम क्या लेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आए कि जो राइटर होते हैं, है ना, जो कि इन्फ्लुएंसर होते हैं, इन्फ्लुएंसर यानी बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, उनमें कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, वर्बल इंटेलिजेंस, है ना। जैसे आप, मैं एक इम्पॉर्टेंट नाम ले सकती हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी का और प्रेमचंद जी का, ये बहुत ही अच्छे राइटर है, है ना, और ये दोनों मेरे फेवरेट टाइप के राइटर हैं, इसीलिए मैंने दोनों का नाम यहाँ पे लिखा और पिक्चर भी लगाई है। क्या है इनका, ये इतनी, इनकी कहानियां पढ़ोगे, इनकी कविताएं पढ़ोगे, इतनी सुंदर रचनाएं हैं इनकी, कभी आपको, आपके पास फ्री टाइम रहे तो इनकी रचनाएं पढ़ना, आप रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी पढ़ना, है ना, रश्मि रथी पढ़ना, रश्मि रथी से
कविता भी क्लास लोअर क्लासेस में ली हुई है, कृष्ण की चेतावनी है ना, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, है ना। तो इस तरह की रचनाएं है कि आम आदमी इस तरह की रचनाएं नहीं कर सकता। तो इनमें क्या पाई जाती है, वर्बल लिंग्विस्टिक यानी वर्ड स्मार्ट पीपल, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, वर्ड स्मार्ट पीपल कहलाते हैं। दूसरा नाम मैं प्रेमचंद का लेना चाहूंगी, है ना, आप एक वक्ता हैं कुमार विश्वास, उनका भी आप नाम ले सकते हैं। ये लोग क्या है, वर्बल लिंग्विस्टिक पाए जाते हैं, इतना अच्छे तरीके से वर्ड का यूज करके ये पब्लिक अपीयरेंस देते, पब्लिक में अपीयरेंस देते हैं कि उनकी बातों से आप क्या हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा, आपको इफेक्ट करेगी उनकी बातें, बहुत अच्छे से वो एक्सप्रेस करते हैं, लैंग्वेज का बहुत अच्छा यूज करते हैं ना। प्रेमचंद की आप गोदान देखो, है ना, निर्मला देखो, बहुत सारी हैं प्रेमचंद की रचनाएं, आप नमक का दरोगा, ये सब चीज आपने पढ़ी होगी, है ना। तो इन सब चीजों की, इन सब चीजों को मतलब, ये ऐसे समय के कवि थे और ऐसे कि जो समाज में जो चल रहा था उस पर बेस्ड इनकी रचनाएं होती थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि वर्बल लैंग्विस्टिक वाले पीपल कैसे होते हैं, ठीक है। दूसरा है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि यानी पिक्चर स्मार्ट पीपल। पिक्चर स्मार्ट पीपल, इनको डायरेक्शन का, शेप का, है ना, बहुत अच्छा ज्ञान होता है, कहाँ पर किस तरह से क्या ड्रॉ करना है, है ना, इन सब चीज़ों का बहुत इनको ध्यान ज्ञान रहता है ना। इफ अ पर्सन इज पर्टिकुलरली स्ट्रांग इन विजुअल एंड स्पेशल जजमेंट दे पोजेसेस विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसको बहुत अच्छे से ज्ञान होता है वो जज कर पाते हैं। जैसे आप आर्किटेक्ट का नाम ले लोगे, आर्किटेक्ट क्या होते हैं, आप आर्किटेक्ट से अगर आप डिज़ाइन करवाते हो अपने मकान की, तो वो क्या बताएंगे, एक छोटे से जगह में बहुत अच्छे से वो डिज़ाइन कर देते हैं और बहुत अच्छे से बता दे देंगे कि कहाँ आपकी बेडरूम बनेगी, एक छोटे से जगह में वो बेडरूम भी बता देंगे, वो किचन भी बना देंगे, आपका हॉल भी बना देंगे, लिविंग रूम वगैरह सब कुछ ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो आर्किटेक्ट क्या होते हैं, विजुअल स्पेशल पर्सन जो होते हैं उनको बहुत अच्छा स्थान का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, यानी पिक्चर स्मार्ट पीपल होते हैं। जैसे आप मूर्तिकार को ले लो, मूर्तिकार यानी स्कल्पचर, स्कल्पचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे से किसी भी मूर्ति को डिज़ाइन करते हैं, है ना। आप यहाँ देख सकते हो कहाँ कहाँ आँख बनेगी, कितने स्पेस में आँख, कहाँ हाथ बनाना है, कहाँ पैर बनाना है, कहाँ पूरा बॉडी का शेप देना है, है ना। ये सब चीज़ों का इनका बहुत अच्छा इनका नॉलेज होता है, इनको, किसको, जो विजुअल स्मार्ट पीपल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस तरह के बुद्धि वाले लोग यानी इस तरह के बुद्धि वाले लोग को स्थान के बारे में अच्छी समझ होती है ना, है ना, स्थान के बारे में बहुत अच्छी समझ होती है। किसी भी स्थान के देख के ये 3D तस्वीर बनाते हैं, यानी अपने माइंड में ये 3D तस्वीर बना लेते हैं कि हाँ, ये जो मेरे को मिली हुई है लैंड, इस पर मैं किस तरह से किसी भी चीज़ को ड्रॉ करूँगा तो ये फाइनल बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका, यानी ये अपने माइंड में 3D इमेज बना लेते हैं ना, बना लेते हैं कि इस जमीन पर कितने कमरे बनेंगे। और बुद्धि वाले लोग होते हैं, यानी आर्किटेक्चर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, चित्रकार आप ले सकते हो, स्कल्पचर हो सकते हैं, मूर्तिकार हो सकते हैं, ये सब किस में आएंगे, ये विजुअल इंटेलिजेंस पीपल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल, है ना, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग ये बहुत अच्छे से करते हैं ना, इनमें ये ना बहुत अच्छी लॉजिक का लगाते हैं, लॉजिकल इंटेलिजेंस भी आप इनको बोल सकते हो, ये लॉजिक का यूज करके प्रॉब्लम को ये सॉल्व करते हैं। यानी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का मतलब है तार्किक गणित बुद्धि, यानी नंबर स्मार्ट पीपल, रीजनिंग स्मार्ट पीपल इन्हें हम बोलते हैं ना। बींग एबल टू एनालाइज प्रॉब्लम लॉजिकली एंड सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम का मतलब है अमूर्त जो समस्या होती है ना उसका समाधान बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं ना। और ऐसे लोग के आगे चल के क्या बनते हैं, मैथमेटिशियन बनते हैं ना, अकाउंटेंट बनेंगे, साइंटिस्ट बन सकते हैं, है ना, ऐसे लोग जो कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो जिसमें पाया जाता है वो, अगर जो जो बच्चा, अगर आप क्लासरूम में और देख रहे हो कि ये बच्चा बहुत अच्छे से लॉजिक का यूज करता है, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता है, यानी अमूर्त समस्या का समाधान बहुत ही अच्छे से कर सकता है ना, तो ऐसे लोग क्या बन सकते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इनका फ्यूचर कि ये बच्चा आगे चल के या तो मैथमेटिशियन बनेगा, है ना, गणितज्ञ बनेगा, या तो अकाउंटेंट बनेगा, है ना, या तो साइंटिस्ट बनेगा, ऐसे ऐसे लोग इस तरह से बन सकते हैं ना। मस्तिष्क का एक हिस्सा कैलकुलेशन से ज्यादा हो सकता है ना,
गणित विषय में अच्छी समझ होती है ना, और बहुत कैलकुलेशन बहुत फास्ट करते हैं, बहुत अच्छी रीजनिंग लगाते हैं, तर्क लगाते हैं किसी भी चीजों में, कौन से लोग, जो कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि किसी किसी बच्चे का क्लासरूम में मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है ना, तो ऐसे लोग मैथमेटिक्स के टीचर भी बन सकते हैं, मैथमेटिशियन बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम लेने जा रही हूँ जो कि जो रियल लाइफ में मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, जैसे आप आर्यभट्ट का नाम ले सकते हो, रामानुजन का नाम ले सकते हो, रामानुजन बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन है, शकुंतला देवी का नाम ले सकते हो, है ना। तो ये लोग, शकुंतला देवी क्या थे, इनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी, ये ना बहुत फास्ट कैलकुलेशन करती थी, और इस पर एक मूवी भी आई है, आपने देखा होगा, जिसमें विद्या बालन ने इनका रोल प्ले किया है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो होते हैं वो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम मोस्टली, मैथमेटिशियन बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आ सकता है, क्या आएगा कि जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, जो मैथमेटिशियन होते हैं, वो किस तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, वो लॉजिकल मैथमेटिकल यानी तार्किक गणित बुद्धि वाले लोग होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा पढ़ेंगे हम, बॉडली काइनेस्थेटिक यानी शारीरिक गति बुद्धि, है ना, यानी बॉडी स्मार्ट पीपल इन्हें बोलते हैं। इनको अपने बॉडी पे बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है, बहुत अच्छे से अपने फाइन मोटर स्किल को, अपने ग्रॉस मोटर स्किल को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आ सकता है सर्जन का, है ना। सर्जन क्या होता है, ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना, सर्जरी करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनका इनको पता रहता है कि कितने छोटे जगह पर किस तरह से आपको निडल का यूज करना है, किस तरह से टूल्स का यूज करना है छोटे जगह पे, और क्या करते हैं, अब इनका क्या है, इनको किसके साथ डील करना है, किसी भी पर्सन के लाइफ के साथ डील करना है। तो इनका बहुत ही अच्छा इनको नॉलेज होता है बॉडली काइनेस्थेटिक का, यानी शारीरिक गति बुद्धि कहेंगे। अगर ये थोड़ा सा भी इनका इधर उधर औजार हो गया, टूल्स हो गया, तो क्या होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी आदमी क्या हो जाएगा, भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो इसलिए इनकी जो फाइन मोटर स्किल होती है ना, किस तरह से अपनी उंगलियों का, फिंगर का यूज करके, है ना, किसी को ऑपरेट करना है, किसी की सर्जरी करना है, तो सर्जन में ये पाया जाता है, कौन सा, बॉडी काइनेस्थेटिक। अगला है डांसर में पाया जाता है, किस तरह भाव मुद्रा, है ना, इन सब चीजों को प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, तो ये इनमें क्या पाया जाता है, बॉडली काइनेस्थेटिक। आप इसको एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देने चाहूंगी, दीपा कर्मकर का आपने नाम सुना होगा, जिमनास्टिक है, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, वो कैसी, किस टाइप की इंटेलिजेंस है उनमें बॉडली काइनेस्थेटिक टाइप की इंटेलिजेंस है। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो भी बॉडली काइनेस्थेटिक टाइप के होते हैं, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये लोग क्या है, इनमें कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है, बॉडली काइनेस्थेटिक यानी बॉडी स्मार्ट पीपल होते हैं ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है इनमें, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी का फोकस ऑन कोऑर्डिनेशन इनका बहुत अच्छा होता है, कंट्रोल होता है वंस बॉडी मूवमेंट, अपने बॉडी के मूवमेंट पे इनका बहुत ही अच्छा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पाया जाता है ना। शरीर को कंट्रोल और गति देने वाली बुद्धि होती है ये। ऐसे लोग सर्जन बनते हैं, कुम्हार बनते हैं, जो लोग क्या बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना कुम्हार, वो लोग उनमें आया, पर उनमें बहुत अच्छा वो हाथों का इस तरह शेप ऐसे ऐसे करके वो क्या करते हैं, शेप देते हैं, चाहे वो गमले का शेप हो, मटके का शेप हो, है ना, तो वो देते हैं। नृतक यानी डांसर में ये बुद्धि पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्जन में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, तो बॉडी काइनेस्थेटिक। डांसर में किस में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, तो बॉडी काइनेस्थेटिक। कुम्हार में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, तो बॉडी काइनेस्थेटिक। स्पोर्ट्समैन में किस कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, तो बॉडी काइनेस्थेटिक। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम कौन सी बुद्धि है। नेक्स्ट है हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी संगीतिक बुद्धि, यानी म्यूजिक स्मार्ट पीपल। इनको बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है, बहुत ही अच्छी पहचान होती है स्पीच का, रिदम का, है ना, इंटोनेशन का, स्पीच रिदम इंटोनेशन स्पीड, है ना, इसकी बहुत अच्छी होती है, कहाँ पर आपको, कहाँ पे हाई पिच होगी, कहाँ लो पिच होगी, किस तरह के रिदम में क्या होगी, म्यूजिक जाएगा, गाना जाएगा, है ना। और ऐसे लोग क्या बनते हैं, म्यूजिशियन बनते हैं, कंपोजर बनते हैं, और बहुत सारे केस में बहुत अच्छे सिंगर भी बनते हैं। तो म्यूजिक कंपोजर मोस्टली इसका एग्जांपल होगा। जो लोग अच्छा गाते हैं वो भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस होते हैं, यानी म्यूजिक स्मार्ट पीपल इन्हें बोले जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम,
AR रहमान, ऐसे म्यूजिक कंपोजर तो बहुत है लेकिन इनमें एक अलग तरह की इसमें इंटेलिजेंस पाई जाती है। ये बहुत ही अच्छे तरह के कंपोजर हैं, म्यूजिक कंपोजर। ये गाना भी अच्छा गा लेते हैं, ये म्यूजिक भी अच्छा दे देते हैं, है ना। तो अगर आपको एक एक सिंगल नाम देना पड़े म्यूजिकल इंटेलिजेंस में तो आप AR रहमान को दे सकते हो। लता मंगेशकर हुई है ना, इन सब में क्या पाया जाता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले ये लोग होते हैं और म्यूजिक इंटेलिजेंस पाया जाता है। ये म्यूजिक स्मार्ट पीपल हैं, इनको रिदम स्पीड है ना, टोन इंटोनेशन इन सब का बहुत अच्छा ये होता है, नॉलेज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इंटेलिजेंस हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी अंतवैयक्तिक बुद्धि, यानी पीपल स्मार्ट इसको बोलते हैं। ऐसे लोग ना बहुत अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं दूसरों से, बहुत अच्छे, इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, है ना, कि किसी दूसरे को इम्प्रेस कर लेते हैं ना। एबल टू क्या है ना, बींग एबल टू डिटेक्ट एंड एक्सप्लोर इंटेंशन मूड एंड डिजायर ऑफ अदर, यानी लो सामने वाले का क्या इंटेंशन है ना, कैसा मूड है, उसको ये क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल, यानी दूसरों को अच्छे से जानने वाला, है ना। एक होता इंट्रापर्सनल और एक होता इंटरपर्सनल, है ना, अंत और एक स्व होता है। जैसे ये ऐसे लोग क्या होते हैं, ये अपने सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, इनकी मूड को बहुत अच्छे से ये पर्सन क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। जो दूसरों को समझते हैं उसको इंटरपर्सनल बोलते हैं, जो खुद को समझते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं उसको इंट्रापर्सनल कहते हैं, है ना। यहाँ पे दूसरों को समझने वाली बुद्धि विकसित हो जाती है, दूसरों को क्या चाहिए वो समझ में आ जाता है, यानी बहुत अच्छे से दूसरों को, अदर पर्सन को ये रीड कर लेते हैं। रीड करने का मतलब कि सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है ना। और ये किस में होना चाहिए, ये एक टीचर में होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट की नीड क्या है, आपके जो विद्यार्थी हैं क्लास में उसकी नीड क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसको कौन से टीचिंग मेथड से पढ़ाऊं तो वो अच्छे से समझ लेगा। तो एक टीचर में होनी चाहिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अगर क्वेश्चन आए कि एक टीचर में कौन सी इंटेलिजेंस होनी चाहिए तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक है, नेता लोगों में होती है ये इंटेलिजेंस, है ना। नेता लोग देखो, जैसे ही अभी इलेक्शन का टाइम है, जैसे ही इलेक्शन आएगा बहुत सारे वादे करेंगे, लोगों के घर घर जाएंगे, है ना, और इलेक्शन के बाद ये लोग गायब हो जाते हैं। ठीक है, सेल्समैन में होती है ये बुद्धि। सेल्समैन जैसे उनको क्या करना है, उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको एक दिन में या एक हफ्ते में इतने आइटम को क्या करना है, सेल करना है, इतने प्रोडक्ट को आपको सेल कर देना है। तो बहुत अच्छे से वो इन्फ्लुएंस तरीके से क्या करते हैं, बातें करते हैं लोगों से, है ना, कस्टमर से, ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा उनका प्रोडक्ट सेल हो जाए और उस पर उनकी इंसेंटिव मिलती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इंटरपर्सनल किस में आता है तो आप पॉलिटिशियन का, सेल्समैन का नाम दे सकते हो, है ना। और ये दूसरों के मूड को बहुत अच्छे से समझते हैं, दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल जो कि खुद को समझते हैं, है ना, स्व व्यक्तित्व बुद्धि यानी सेल्फ स्मार्ट पीपल इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेल्फ स्मार्ट पीपल यानी जो खुद को समझते हैं, यानी इंट्रापर्सनल, जिनको अपने अंदर का ज्ञान होता है, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को ये लोग समझते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रापर्सनल, है ना। स्पेलिंग का थोड़ा सा हेर फेर है, ध्यान में रखिएगा, जल्दी में आपकी ये जो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल वाले, एक इंटरपर्सनल होता है, एक इंट्रा होता है, दोनों को ध्यान में रखिएगा। जैसे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम स्वामी विवेकानंद का इसमें ले सकते हो, इनको अपने अंदर में क्या चीजें चल रही हैं, बहुत अच्छा इनको ज्ञान था, ये अपने आप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। बींग एबल टू फुल्ली अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड टू इफेक्टिवली रेगुलेट वन्स ओन लाइफ एंड इमोशन, है ना, यानी अपने लाइफ, अपने इमोशन पे बहुत अच्छा इनका कंट्रोल रहता है, बहुत अच्छे तरीके से किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ये हैंडल करते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, है ना। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी स्व व्यक्तित्व बुद्धि, सेल्फ स्मार्ट पीपल इसको कहते हैं। ठीक है ना, खुद को समझने वाली बुद्धि होती है। इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग खुद को समझते हैं, जैसे आध्यात्मिक गुरु। अब विवेकानंद क्या थे, आध्यात्मिक गुरु थे। इनको क्या कहते हैं ना, ये बहुत दिन तक बहुत अच्छा मेडिटेशन ये लोग करते हैं,
है ना, बहुत देर तक, बहुत समय तक, मेरे बहुत कितने मतलब 10 घंटे तक भी ये मेडिटेशन में ये जा सकते हैं और अपने आप को ही समझते हैं, ये इमोशन से ऊपर उठे हुए रहते हैं ना। तो ऐसे लोग आध्यात्मिक गुरु आते हैं इसमें, जिनको खुद की समझ होती है, अपने आप से वो बातें करते हैं, और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप्स का इंटेलिजेंस था जो कि 8वां इंटेलिजेंस है, वो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी जिसको प्रकृतिक जनय बुद्धि, जिसको नेचर स्मार्ट पीपल बोलते हैं, नेचर स्मार्ट पीपल इनको बोलते हैं। ये इन लोग, ये इन सब पीपल का क्या होता है कि जो नेचर में क्या हो रहा है, कौन सी घटनाएं घट रही हैं, है ना, नेचर को क्या चाहिए, कब किस चीज की जरूरत है, इसकी इनको बहुत समझ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम, भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में हमारे जो देश के किसान हैं वो कैसे, किस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पाई जाती है इनमें, इनको नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, इनको नेचर का बहुत, प्रकृतिक का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। बींग एबल टू रिकोगनाइज एंड क्लासीफाइज वेरियस प्लांट एंड एनवायरमेंटल स्पेसिस इन वन अदर इन वन सराउंडिंग, यानी उनके आसपास में कितने तरह के प्लांट हैं, किस प्लांट को कब क्या जरूरत पड़ेगी, किस प्लांट को खाद की आवश्यकता है, किसको नहीं है, किसको कितना पानी चाहिए, कब पानी चाहिए, है ना, कब वर्षा होगी, इन सब चीजों का इनको बहुत नॉलेज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम ईशान होते हैं, है ना, इनमें नेचर की समझ बहुत अच्छी होती है, इनकी क्या होती है, नेचर की समझ बहुत अच्छी होती है, यानी नेचर को समझ, नेचर की समझ रखने वाले लोग ऐसे होते हैं। ऐसी बुद्धि वाले लोग शिकारी भी बन सकते हैं, पर्यटक यानी टूरिस्ट भी बन सकते हैं, और किसान भी हो सकते हैं, जिनको नेचर का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, बहुत नेचर का बहुत अच्छा। जैसे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम लिख सकते हो, गार्डनर, है ना, जो गार्डनर होते हैं, जो माली होते हैं, उनको भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है प्लांट के बारे में, बहुत अच्छे वेटनरी डॉक्टर होते हैं, है ना, जो कि नेचर में जो भी ये जानवर हैं उनके बारे में पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग एक्सप्लोर करते हैं जंगल वगैरह में, बहुत लोग क्या करते हैं कि ये होते हैं माउंटेनर, माउंटेनियरिंग लोग होते हैं, जो कि पर्वतरोही जिसको बोलते हैं, तो ये सब लोग क्या होते हैं, नेचर स्मार्ट, उनको नेचर के साथ, नेचर में रहना बहुत पसंद होता है, उनके साथ डील करना, है ना, उनको पता होना कि कब बारिश होगी, बारिश क्यों नहीं हो रही है, सब चीज़ का ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में उन्होंने 2000 में एक और टाइप्स का इंटेलिजेंट दिया जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंट, है ना, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंट के बारे में उन्होंने क्या बताया, और ये अभी रनिंग में है, इसको फुल प्रूफ नहीं दिया है उन्होंने। बीइंग एबल टू आस्क डीप एंड क्रिटिकल क्वेश्चन अबाउट द ब्रॉडर ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड एग्जांपल वुड बी द आस्किंग स्टूडेंट व्हाई आर हियर, यानी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि हम आखिर, ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा उनके मन में ये क्योरी चलती रहती है कि हम इस धरती पर क्यों हैं, हमारा जन्म इस धरती पे क्यों हुआ, हमारा कर्तव्य क्या है, मतलब इन सब चीज़ों को, यानी ह्यूमन के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, व्हाई आर यू देयर, हम यहाँ क्यों हैं, आप यहाँ क्यों हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ किसने दी है, हमारी लाइफ क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में ये खोजबीन में लगे रहते हैं, और इन सब चीज़ों का क्वेश्चन उनके माइंड में चलते रहता है, और उस क्वेश्चन का आंसर ये ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। हम बहुत इंपॉर्टेंट नाम अगर आप लेना चाहोगे तो किसको था एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, किस में पाया गया होगा, तो आप भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का नाम ले सकते हो। जब वो इस धरती पे आए थे उनके पास तो बहुत कुछ था, बहुत राजपाट, बहुत राज्य घराने से ये बिलोंग करते थे, फिर भी इन्होंने ये सब कुछ त्यागा और इन्होंने एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस थी, इन्होंने इस चीज़ की खोज करी कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, लाइफ किस लिए जरूरी है, मोह माया कुछ भी नहीं होती है, इन सब चीज़ों को इन्होंने क्या किया, प्रूफ किया। ठीक है, तो ये 8 टाइप के इंटेलिजेंस को हमने पढ़ा, 9वां भी हमने थोड़ा सा देख लिया कि क्या था, है ना, और ये था गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ गार्डनर थ्योरी। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में हमें ये पढ़ना है कि इन्होंने क्या बताया कि 8-9 तरह की बुद्धि होती है, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, बहुबुद्धि पाई जाती है लोगों में, लोग अलग अलग तरह से इंटेलिजेंट होते हैं, कोई म्यूजिक में इंटेलिजेंस है, तो कोई मैथ्स में इंटेलिजेंट है, कोई स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट है, कोई डांस में है, तो अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस। तो इस इंटेलिजेंस को ध्यान में रख के हमें क्या करना है, बच्चों में क्या पाया जाता है, इस इंटेलिजेंस को ध्यान में रख के बच्चों में क्या पाया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी आपको एक क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे दिखेंगे,
कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई एकेडमिक में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। तो इसको ध्यान में रख के आपको क्या करना है, आपको अपनी मेथड में चेंजेस लाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेथड प्रिपेयर करना है, प्लानिंग करनी है ना। तो बच्चों में क्या पाई जाती है, इस जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या समझा कि बच्चों में क्या पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। मींस एवरी चाइल्ड हैव डिफरेंट एबिलिटी टू लर्न एंड एक्सप्लोर, यानी इसका मतलब है कि हर चाइल्ड में क्या होती है, अलग अलग तरह की एबिलिटी होती है जिसके कारण वो अलग अलग तरीके से लर्न करते हैं, अलग अलग तरीके से अधिगम करते हैं, सीखते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है, यानी अलग अलग मेथड का यूज करके क्लासरूम टीचिंग आपको करनी है, ये इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, विभेदित निर्देश, यूज डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग, प्रोवाइड डिफरेंट एक्सपोजर, बच्चों को एक्सपोजर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मौके दीजिए, ज्यादा से ज्यादा उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, उनके नीड के अकॉर्डिंग है ना, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्लासरूम में टीचिंग प्रोवाइड करनी है ना। मल्टीपल मोड एंड वे ऑफ असेसमेंट, आपको असेसमेंट का भी मोड आपको अलग रखना है, सबको अलग तरीके से क्या करना है, असेस करना है, आकलन करना है, मूल्यांकन करना है, ठीक है। यह है इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इससे एक क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान में रखिएगा और बनेगा ही, है ना। चलिए, इनके इनकी कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई है ना, आलोचना भी हुई इनकी थ्योरी की। क्या थी इनकी थ्योरी की आलोचना, इनकी थ्योरी की आलोचना थी कि इनकी थ्योरी क्या थी, लैक ऑफ एम्पिरिकल सपोर्ट। एम्पिरिकल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि कोई रिसर्च बेस्ड इनकी थ्योरी नहीं थी, इन्होंने सिंपली बताया था कि 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनकी थ्योरी क्या है, एजम्पशन बेस्ड है, इन्होंने मान्यता पर बेस्ड थी, है ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया था, कोई रिसर्च किया था, उसके बाद इन्होंने रिसर्च का क्या था, परिणाम था, रिसर्च का रिजल्ट था, इन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया था, तो इसीलिए इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है। कि इनकी थ्योरी को बहुत लोगों ने क्या बताया था, कि जो इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया था, ये सिंपली क्या है, टैलेंट है ना, पर्सनालिटी ट्रेट एंड एबिलिटी है। यानी कुछ साइंटिस्ट जो थे, कुछ साइकोलॉजिस्ट जो थे, इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करके बोला था कि आप जो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दे रहे हो, ये तो ये सिंपली टैलेंट है, ये पर्सनालिटी ट्रेट है, ये एबिलिटी है, इसको तो आप, अगर आप कहते हो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस है तो कहाँ है आप, कहाँ है आपका रिसर्च। तो इन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया था, इसीलिए इनकी थ्योरी को क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया था, कोई लैब टेस्ट इनका नहीं था, है ना। और इन्होंने क्या बताया था कि कभी उन्होंने 7 टाइप्स की बताई, कभी इन्होंने 8 टाइप्स की बताई, कभी उन्होंने 9 टाइप्स की बताई। तो लोगों का कहना ये था कि आप एक जगह तो फिक्स हो ही नहीं, कभी आप कहते हो कि 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, कभी 8 बताते हो, कभी 9 बताते हो, तो क्या है, ये तो आर्बिट्री क्लासिफिकेशन है, यानी नॉट फिक्स टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। तो आप जो हो, कभी आप 7 बताते हो, तो एक फिक्स होनी चाहिए ना कि 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस ही पाया जाता है, तो आप तो उसमें बढ़ाते जा रहे हो, तो इससे कैसे पता चलेगा कि इतने टाइप्स का इंटेलिजेंस होता है ना। तो आर्बिट्री क्लासिफिकेशन इन्होंने बताया था, कि क्योंकि इनका इंटेलिजेंस का जो नंबर था वो फिक्स नहीं था, कभी 7, कभी 8, कभी 9, तो कोई भी चीज़ को आपको फिक्स करना पड़ता है कि हाँ मैंने ये थ्योरी दी है तो ओनली 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होनी चाहिए, है ना। गार्डनर प्रपोज दैट देयर आर 8 इंटेलिजेंस एंड हैज सजेस्टेड पॉसिबल एडिशन ऑफ 9, उन्होंने 8 बताया था और 9th यानी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों को ये आर्बिट्री क्लासिफिकेशन लगा था, ठीक है। तो समझ में आया कि इनकी इनका कोई लैब टेस्ट नहीं था, कोई एम्पिरिकल सपोर्ट नहीं था, और ये लोगों का क्या मानना था कि ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये तो टैलेंट है, पर्सनालिटी ट्रेट है, और एक तरह की एबिलिटी है जो अलग अलग पर्सन में पाई जाती है, ठीक है। तो ये थी आज की थ्योरी, जो कि मैंने गार्डनर की थ्योरी पर बताई, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।